नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम जिक्र करेंगे कि सरसों के तेल के दो ढक्कन कच्ची ज़मीन पे गिराने के उपाय का जिक्र कब आता है, या शराब के दो ढक्कन कच्ची ज़मीन पे गिराने का जिक्र कब आता है। जब शनि खाना नंबर 11 में हो, खाना नंबर 11 जो है शनि का घर है, और यहाँ शनि जो है राहु केतु की प्रकृति के आधार पे फैसला करते हैं, यानी शनि अब राहु केतु की गवाही के आधार पे अपना डिसीज़न लेते हैं। शनि खाना नंबर 11 में अगर किसी वजह से मंदा हो रहा, अमूमन 11 नंबर में वैसे तो मंदा नहीं होता है, लेकिन अगर किसी वजह से खाना नंबर 11 में ये ख़राब हो रहा उसूलों के आधार पे, तो ऐसे समय में अगर टेवे वाला मंदी खुराक का आदि हो जाए, यानी कि नॉनवेज खाने का वो शौकीन हो जाए या शराब पीने का वो शौकीन हो जाए, यानी मंदी खुराकों का आदि हो जाए, तो अब जो शनि का रिज़ल्ट है वो ख़राब आने लगता है। और ऐसे समय में इसके अलावा अगर शनि की जो पहली उम्र है 36 से 39 वर्ष, उससे पहले अगर इंसान मकान बना ले, तो उसके बारे में लिखा गया है कि उसका जो बुढ़ापा है वो बीमारी में लेट के कटेगा, यानी बीमारी में ज़िंदगी का आखिरी जो पड़ाव है वो बीमारी में उसके बीतेगा। साउथ फेसिंग मकान में रहना अवॉइड बोला गया है शनि 11th वाले को। और शनि 11th हाउस में जब ख़राब हो रहा हो, यानी स्त्री सेहत का पोषण अगर ख़राब हो रहा, स्त्री की हालत ख़राब है, अगर उसकी हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा हैं स्त्री को, तो ऐसे समय में साल भर के लिए लंगोट का पक्का रहने के लिए बोला गया उसे, यानी गृहस्थी ताल्लुक कायम करना वर्जित है साल भर के लिए, नहीं तो जो बीमारी है वो 3 वर्ष कम से कम रहेगी, ये बोला गया। इसलिए लंगोट का पक्का होने के लिए बोला गया अगर स्त्री की सेहत ख़राब रहती उस समय में। शनि के मंदे रिजल्ट में कमी लाने के लिए 11th हाउस में अगर शनि ख़राब हो रहा हो, या किसी वजह से ख़राब हो गया हो, चाहे वो मंदी खुराक की वजह से हुआ है, या जैसे साउथ फेसिंग मकान अवॉइड करने के लिए बोला है, और अगर आपने वो परचेज कर लिया, तो कुछ इस तरह की कंडीशंस में, या टेवे के सिम्टम्स के आधार पे, अगर उसूलों के आधार पे शनि मंदा हो रहा हो, तो ऐसे समय में एक उपाय का जिक्र आता है कि सरसों के दो ढक्कन कच्ची ज़मीन पे गिराने से, या शराब के दो ढक्कन कच्ची ज़मीन पे गिराने से किस तरह शनि को पॉजिटिव किया जाता है। अब इसमें ये समझते हैं कि जो सरसों का तेल है, सरसों का तेल जो है वो शनि से देखते हैं, या फिर जो शराब है वो भी हम शनि से संबंध देखते हैं उसका, और जो कच्ची ज़मीन है, यानी कच्ची जो मिट्टी है, कच्ची ज़मीन का मतलब ये हो गया जिस पे मिट्टी है, कच्ची मिट्टी, उसको शुक्र माना। तो यहाँ पे जब हम सरसों के तेल के दो ढक्कन कच्ची ज़मीन पे गिराते हैं, या शराब के दो ढक्कन कच्ची ज़मीन पे गिराते हैं, तो इससे क्या होता है कि शनि और शुक्र का मिलन होने से मसनूई उच्च केतु बन जाता, यानी शनि और शुक्र मिला तो एक बनावटी प्लैनेट बना जिसका नाम उच्च केतु मुकर्रर किया गया। तो इस तरह से उच्च के केतु के अच्छे रिजल्ट आने लगते हैं और शनि को शुक्र की सपोर्ट मिलने लगती है। तो इस रेमेडी में शनि के जो मंदे प्रभाव हैं, चाहे वो फाइनेंस के हिस्सों पे आ रहे हों, चाहे टेवे वाले की स्त्री की सेहत मंदे के वक्त आ रहे हों, खुद के हेल्थ इश्यूज़ के रिगार्डिंग आ रहे हों, तो ऐसे समय में इस उपाय की मदद ली जा सकती है। इसमें शनि जो है वो सरसों का तेल जिसको माना गया है, या फिर जो शराब है वो शनि से कंसीडर की जाती है, इसके अलावा दोनों के मिलने से, और कच्ची मिट्टी जो है वो शुक्र है, तो यानी कच्ची मिट्टी वाली ज़मीन पे आप गिराएं। ये उपाय आपको करना है, ये जो शुरू करना है ये शनिवार से शुरू करना है, सूर्योदय जब सूर्य निकल जाए, तो सूर्योदय के लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपको ये उपाय कर देना है। जब सूरज प्रॉपर निकल जाए तो 15 से 20 मिनट सूर्योदय के समय किया जाता है इसको, 43 दिन तक लगातार करने से शनि के मंदे रिजल्ट
ख़त्म होने लगते हैं क्योंकि उसको शुक्र की सपोर्ट मिलने लगती है। और जैसा मैंने कहा, दोनों के मिलन से उच्च का केतु के जो रिज़ल्ट हैं उस तरह का प्रभाव आने लगता है ज़िंदगी में, जो प्रभाव मदद करता है। और यहाँ पे लिखा भी है कि राहु केतु की गवाही के आधार पे शनि अपना फैसला 11th हाउस में करते हैं। तो इस तरह से इस रेमेडी को हम देखेंगे। ये रेमेडी अगर आप शनि 11th में मंदे रिज़ल्ट से गुजर रहे हैं, महादशा का समय है, अंतरदशा का समय है, या और कहीं मेजर टाइम फ्रेम में शनि है या 11th हाउस में शनि आया हुआ, तो उस समय भी की जा सकती है वर्षफल में। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं, इस रेमेडी का हम लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना टेवा मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।